ओके जी, एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग रिम ब्रेक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग रिम ब्रेक्स में सिंपल ये कि आपके पास जो इंटरनल एक्सपेंडिंग था उसमें हमारे पास जो शू था, जो लेदर था, वो रिम के अंदर लायक आ रहा था और इन साइड से वो एक्सपेंड करता था यहाँ तक कि रिम तक पहुँच गया। इस केस में आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप सोचेंगे, ऐसा सिनेरियो है कि एक्सकेवेटर्स वगैरह में बेसिकली यूज होता है कि आपके पास वो आउटसाइड साइड पर लायक कर रहा है और जब आप इसे प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ तक वो रिम के साथ कॉन्टैक्ट आ जाए। इस तरह आपको यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि आपके पास ये रिम है, ये आपके पास ये रिम है ठीक है, और ये आपके पास ब्रेक है, ये हिंज पॉइंट है और इसके ऊपर जो है इसको कर रहा है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, कुछ फर्क नहीं है ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो आपके दोस्त का उसमें से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम सिर्फ एक वर्बली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ देखो तो यहाँ भी आपके पास वही चार फोर्सेज हैं और आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको वन नोट के ऊपर हम इसे देख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखो चार फोर्सेज उसी तरह ठीक है। आपके पास ये पहली फोर्स जो कि एक्चुएटिंग फोर्स है जो कि कर रही है ठीक है। सेकंड आपके पास ये रिएक्शन फोर्स बिल्कुल उसी तरह हिंज पिन के ऊपर। थर्ड आपके पास ये तक ये फ्रिक्शन फोर्स ठीक है, और आपके पास जो है ये रही नॉर्मल क्या, बिल्कुल चार फोर्स बिल्कुल उसी तरह ही जो है वो काम कर रही है ठीक है, जिस तरह जो है हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, उसके अलावा जो है यहाँ ओके यहाँ अगर आप देखें कि आपके पास जो है बिल्कुल उसी तरह यहाँ देख रहे हैं लाइनिंग आपके पास उसी तरह एग्जिस्ट करी, जब हम इसके रिलेशन डिस्कस करेंगे वो भी यहाँ इस एंगल से शुरू हो रहे हैं जो ये एंगल होगा जो कि बेसिकली ये लाइक कर रहा है, ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये थीटा जीरो है ठीक है। तो हम ये थीटा जीरो को जो हम कंसिडरेशन में नहीं लाते बल्कि हम ये थीटा वन से थीटा टू जो कि यानी कि इस लाइन से यहाँ तक ये एंगल है हम इनको कंसिडर कर रहे थे कि आपके पास ये पॉइंट जो है वो थीटा वन है और ये पॉइंट आपके पास थीटा टू है ठीक है। सो इस तरह जो हमने उस एंगल को ओके अगर हम इसके रिलेशन देंगे इसमें रिलेशन थोड़े से ऑपोजिट होंगे क्योंकि आप यूँ समझें कि जो यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो आपके पास इंटरनल एक्सपेंडिंग में काउंटर क्लॉकवाइज केस बंद है तो वो इस केस में यहाँ क्लॉकवाइज के तौर पर एक्ट कर रहा होगा और रिवर्स हो गया था। और इसी तरह जो आपके पास इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग में आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज के लिए था वो एक्सटर्नल इंटरनल एक्सपेंडिंग में आपके पास जो है क्लॉकवाइज के था वो यहाँ आप काउंटर क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा होगा। तो हम यहाँ रिलेशंस को हम देख लेते हैं ठीक है। ओके सिंपल इसी तरह ठीक है, यहाँ देखें कि द मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स इज बाउंड द हिंज पिन आर सेम इज दैट कंटीन्यूअस पिन चूज ठीक है। फॉर आपके पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसके लिए आपके पास जो है ये रिलेशन है ठीक है। मोमेंट के लिए आप यहाँ देखें कि आप यहाँ प्लस आ गए जबकि वहाँ माइनस था इनिशियली ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है माइनस आ गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए जबकि इनिशियली वहाँ पॉजिटिव था। सिंपल चेंज हो गया, बाकी फॉर्मूलाज उसी तरह ही हैं। आपने जो है अगर लट से रिएक्शन वगैरह फाइंड आउट करने हैं उनके लिए रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह, अगर इनके साथ आपके पास कोई इस तरह की क्वेरी आ जाती है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो हमारे पास डेवलप होता है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग रिम ब्रेक्स में, दैट इज ऑफ द सिमेट्रिकल ब्रेक्स। यानी कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, जो अभी तक हमने देखा है उसमें क्या था कि आपके पास एक हिंज पिन था और एक टॉप पे आपके पास जो एक डायरेक्शन मूव कर रहा था। आपके पास ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर जो है लट से वो यहाँ टॉप की तरफ लाइक आ रहा है तो यही आपके पास यहाँ बॉटम में भी आपके पास इस साइड पे भी वो ब्रेक आ रही है, बजाय इसके कि आपको डबल शू जिस तरह हमने एग्जांपल में किया हम इस तरह का केस भी कंसीडर कर सकते हैं। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। होगा क्या कि सबसे पहले जो रिएक्शन फोर्सेज हैं ठीक है वो बिल्कुल उसी तरह लाइक कर रही हैं, एक्चुएटिंग फोर्स जो है लाजमी बात है वो भी हमने कहीं ना कहीं अप्लाई करनी है, लाजमी बात है वो अप्लाई हो रही होगी ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी है, नॉर्मल फोर्स भी है ठीक है, वो चार फोर्सेस उसी तरह ही लाइक कर रही है। और आपके पास जो ए पॉइंट है आपके पास ओरिजिन से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस है जो हमने पी वोट रखना है, और हम ये ए पॉइंट हम बड़ा सिस्टमेटिकली हम इसको चूज करते हैं ठीक है, कि टेक्निकली इसको चूज करते हैं कि हम एक मोमेंट को हम जीरो के इक्वल हम उस पॉइंट पे रख सकें, यानी कि सिमेट्री हो। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपका एक साइड पे जो है वो ज़्यादा वेयर हो जाएगा, दूसरी साइड पे कम वेयर हो रहा होगा
ठीक है, क्योंकि उसने ए जो पॉइंट है उसने बैलेंस अपने आप को बैलेंस आउट करने के इक्विलिब्रियम में उसने सॉर्ट आउट अपने जो ब्रेक है उसने लिया। तो ए को आपको बड़ा सिस्टमेटिकली चूज करना होता है और उसको बड़ा वाइजली आपने डिसाइड करना होता है। ठीक है, ओके। सो बाकी कंपोनेंट आप देख सकते हो कि एक रिलेटेड जो आप डिवाइस हो रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में चले जाते हैं। ओके, इसमें जो एक चीज नया फिनोमेनन हम लेके आएंगे, ठीक है, वो हमने प्रेशर को हमने रिलेट करना है वेयर के साथ। ठीक है, जब हमने इंटरनल एक्सपेंड को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था सिनेरियो कि हम ये इसको वेयर वगैरह और इन चीज़ों से चेंज होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास जो है जैसे जैसे वो एंगल चेंज होगा आपके पास वेयर जो है वो भी चेंज हो रहा होगा डब्ल्यू थीटा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डब्ल्यू नॉट जो है वो आपके पास मैक्सिमम उस जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, और उसके अलावा जो के आपके पास वो मटीरियल कॉन्स्टेंट है, उसके बाद वी जो है वो रिंग वेलोसिटी है, टी जो है आपके पास टाइम है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो वेयर फैक्टर आपके पास नोन है। ठीक है, और इसी तरह लिमिटिंग आपके पास पी वी आपके पास नोन है, यानी कि आप प्रेशर और वेलोसिटी को आप कितना जो है आप इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि कितनी वेलोसिटी के लिए आप कौन सा जो है आप मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसके मुताबिक हमने इसको सेट करना होता है। ठीक है, लेट्स से जिस तरह अब आपके पास जो है यहाँ नायलॉन जो है सिक्स नायलॉन, ठीक है, उसकी लिमिटिंग पी वी जो है वो 2000, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है आपके पास ये पी थीटा का और आपके पास ये वेलोसिटी का ये किसी भी सूरत 2000 से एक्सीड नहीं कर सकते इन केस ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, सो ये आपके पास जो है दीज आर इन एम्पिरिकल। ओके, अच्छा, अभी हमने एक ही बात की थी। ठीक है, कि डिस्टेंस ए जो है वो पिवट है, इट इज चूजन बाय फाइंडिंग वेयर द मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस इज जीरो। ठीक है, सिमेट्री है, इसका मतलब है कि आपके पास थीटा वन थीटा टू आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ ये टू आ रहा है, टू इस वजह से आ रहा है क्योंकि सिमेट्री से ऊपर भी ये लाइक आ रहा है और नीचे भी लाइक आ रहा है, तो इस वजह से ये टू आ रहा है और ये ए का रिलेशन आपका यहाँ से आएगा। ओके, द क्वेश्चन अराइजेस कि हम यहाँ जो है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तो अगर हम दोबारा यहाँ जाके देखें और हम इसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो नॉर्मल फोर्स उस डायरेक्शन में हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में जो है सॉरी नॉट एंटायरली इन दिस डायरेक्शन दैट वुड बी एक्टिंग समथिंग इसी पॉइंट पे होगा मगर कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इस पे रेसिप्रोकल। ठीक है, ओके, आई थिंक I will write the initial time. Sorry, my bad. जी, यहाँ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल आपके पास ये यहाँ ही एक्ट कर रहा है तो डेट वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मगर आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ भी जो है बिल्कुल उसी तरह आपके पास इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये डी एन है, ओके जी, सो देयर इज द नॉर्मल फोर्स और यहाँ समवट बिल्कुल उसी तरह जो है हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास लग रही होगी, टीएन हो गया और ये आपके पास जो है ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो जब हम सिमेट्री में बात करते हैं दोनों चूंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। बिल्कुल वही जो है हमारे पास यहाँ जो हम देखते हैं कि जब हम इसकी डेरिवेशन वगैरह हम इसकी कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हम इसमें नॉर्मल जो कंपोनेंट है मोमेंट का उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो जो है नलीफाई हो रहा है। ओके, सो यहाँ से जो है हमने ए फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और इसका जो एक हमें एडवांटेज हमें ए का मिलेगा वो ये कि आपके पास साइनोसाइडल फॉर्म जो है आपके पास ये डेवलप हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे जो थीटा ए जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि देखें तो एक तरह से शॉर्ट शूट ब्रेक्स है, तो आपके पास यहाँ मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, उसके बाद जीरो और फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो साइनोसाइडल वेव आपके पास डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप
इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने पिवट हमने लोकेट कर दिया, ठीक है, तो हम जो है मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट हम जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। सिंपल रिलेशंस को यूज करते हुए, ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर आपने जो है टॉर्क हमने वो फाइंड आउट करना है, काउंटर टॉर्क लट से कितना जनरेट हो रहा, तो वो हम सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं ए एंड, ठीक है, एफ जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड वो नॉर्मल फोर्स थी, ठीक है, और ए जो है हमने डिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। और ये उस केस में कि जब आपके पास आर एक्स जो है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो है डेट इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स वाई में जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका एक ये है जो हमने ये जो स्लाइड आपको समझ रही है कैसा, इसका ही एक मजीद सिंप्लीफाइड एक वर्जन है जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग रिम ब्रेक्स, ठीक है। जो नेक्स्ट अब हमारे पास है हमने बैंड टाइप ब्रेक्स को डिस्कस करना है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं और उसको फिर हम देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास डिस्क ब्रेक्स आ गया।